इमली की शादी के बाद है पहली लोहरी और लोहरी पर हो रही है मस्ती और यहाँ पर दिया जा रहा है टास्क, जैसे खेल खेल में होता है ना वैसा। तो अथर्व को मिला है किस वाला टास्क। अब सवाल ये बनता है कि अथर्व किसको किस करेगा। लोरी की आग में नेगेटिविटी को जला दिया जाता है और पॉजिटिव वाइब्स को अपने अंदर ले लिया जाता है। तो इस बार इमली की लोरी में भी कुछ वैसा ही होगा, जहां पर चीनी मात खाएगी इमली से। हालांकि हमेशा की तरह चीनी कोशिश जरूर करेगी इमली को हराने की, लेकिन इस बार वो बिल्कुल नहीं जीतेगी। घर में लोहड़ी का फंक्शन हो रहा है और देखिए एक छोटा सा खेल भी खेला जा रहा है। पर्ची पर कुछ लिखा जाएगा और फिर उस पर्ची को पास किया जाएगा। म्यूजिक रुकेगा तो भाई जिसके हाथ में पर्ची आएगी और उसमें जो लिखा होगा वो करना होगा। इसमें सबसे पहले नंबर अथर्व के मम्मी पापा का आया और उसके बाद अथर्व का भी नंबर आया। जैसे ही अथर्व की बारी आई तो चिट में लिखा था कि जिसे वो दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता है उसे जाकर किस करे। इमली एकदम से डर गई, उसे तो लगा कि हे सीता मैया, कहीं ये मुझे तो किस नहीं कर लेंगे। इमली के बगल में अथर्व की माँ बैठी है और देखिए अथर्व ने अपनी माँ को किस किया। चीनी को भी लगा कि अथर्व उसके पास आएगा। तो कुछ ऐसे चौंका दिया अथर्व ने। अब इमली के लिए चिट देखिए चीनी ने लिखा। अब उस पे उसने क्या लिखा है कि जो पढ़कर इमली यहाँ से चली गई। अथर्व भी पीछे पीछे चला गया। अब घर वाले परेशान हो गए कि कहीं इन दोनों के बीच फिर से कुछ गलत फहमी तो नहीं हो जाएगी। अब अंकल आंटी और पूरे परिवार वाले आप सब ना टेंशन ना लीजिए, क्योंकि अब इमली सब संभाल लेगी। वो जान गई है चीनी को, तो अब कभी भी चीनी की चाल को वो कामयाब नहीं होने देगी। मुंबई से कैमरामैन प्रथमेश खानविलकर के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ABP News, आपको रखे आगे।